केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जहां बतौर एचपीसीए अध्यक्ष धर्मशाला को खेल नगरी बनाया, वहीं पूर्व मंत्री ने धर्मशाला को अपराध नगरी बना दिया। ये बात भाजीमो के पूर्व जिलाध्यक्ष गर्वित शर्मा ने प्रेस वार्ता में कही। गर्वित शर्मा ने कहा कि पूर्व मंत्री अपने आय के स्रोत सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में डस्टबिन घोटाला सामने आया था, जिसमें सेंसर युक्त डस्टबिन की बात तो कही गई, लेकिन डस्टबिन सेंसर युक्त नहीं थे। इस अवसर पर नवदीप ढींगरा और रोहित शर्मा भी उपस्थित रहे। नवदीप ढींगरा ने कहा कि पूर्व मंत्री के समर्थक द्वारा प्रेस वार्ता के जरिए संजय शर्मा को झोला छाप कहा गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के समर्थक को पता होना चाहिए कि झोला उठाकर धर्मशाला कौन आया था, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के समर्थक को पता होना चाहिए कि भाजपा नेता संजय शर्मा वर्ष 1988 से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के समर्थक द्वारा संजय शर्मा पर फार्मा कंपनी से सांठगांठ के आरोप लगाए हैं, उन्हें वे साबित करें। उन्होंने कहा कि कौन किसका पिट्ठू है, ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि संजय शर्मा किसी के पिट्ठू नहीं है, बल्कि लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आए दिन पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि उनका भू माफिया के साथ, कभी शराब माफिया के साथ संबंध है, परंतु वह इसके बारे में कोई बयान नहीं देते। कुछ छुटवैये नेते उनकी तरफ से बोलते हैं। हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि आए और अपने इन आरोपों को, अपने इन आरोपों के लिए जो जवाब है वो दें। नाम क्यों लेना है मैंने उनसे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तरफ से जवाब दिए हैं, तो हम ये कहते हैं कि मंत्री जी खुद आए, पूर्व मंत्री जी खुद आके उन चीज़ों का जवाब दें। हमने मांग की है सरकार से कि इस मुद्दे को पूरा कर दे, जांच की जाए। साथ ही साथ जो डस्टबिन खरीदे गए थे, जो सेंसर वाले डस्टबिन खरीदे गए थे और लगे जो हैं वो विदाउट सेंसर लगे हैं, इसकी भी जांच की जाए।